Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Naveed Jaffer, second year, mathematics chapter number 6. आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6.5 से पहले आने वाली लास्ट एग्जाम्पल जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 है. किस तरह से एक आर्च को लेके हम एलिप्स को डिस्कस करेंगे. आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन. जी, तो यहाँ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 और आपकी लास्ट एग्जाम्पल है जस्ट बिफोर एक्सरसाइज नंबर 6.5. एक बहुत ही खूबसूरत सवाल. आर्च, यहाँ एक गुंबद की बात हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एन एलिप्स. अब ये एक हाफ एलिप्स, आप गुंबद को अगर देखें तो वो ऑब्वियसली एक हाफ एलिप्स की रिप्रेजेंटेशन देता है. कहता है कि वो 40 मीटर वाइड है, यानी कि उसकी जो विड्थ है वो 40 मीटर है एंड 15 मीटर हाई एट द सेंटर. और जब हम सेंटर पे होंगे तो वो 15 मीटर हाई होगा. उसके बाद क्या बात हो रही है, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च. फिर आपने उस आर्च की हाइट फाइंड करनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर. जब वो 10 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर होगा तो वहां पे जाके आपने बताना है कि उसकी हाइट उस मुकाम पे क्या होगी. सो अगर इस सारी स्टोरी को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो यकीनी तौर पे आपके पास इस स्टोरी से रिलेटेड क्या होना चाहिए, इसकी डायग्राम जरूर होनी चाहिए. उस डायग्राम से रिलेटेड हम सारी डिस्कशन करेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये सारी बातें बनती हैं और ये आर्च कैसे बनती है और उसमें से क्या आपको फाइंड करना है. सो मैं इसके सॉल्यूशन की जानिब जाता हूं और डायग्राम को भी लेके आएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड अगर मैं लिखूं, लेट द एक्स एक्सिस बी अलोंग द बेस. क्योंकि हमने कोई ऐसी इलिप्स बनानी है जो बड़ी अंडरस्टैंडेबल हो, तो हम ऐसा करते हैं कि लेट द एक्स एक्सिस, जो आपके पास एक्स एक्सिस है, उसको एज बेस लेते हैं इस आर्च की. बी अलोंग द बेस ऑफ द आर्च, ये लिख देता हूं. ये आपके पास बेस ऑफ द आर्च के ऊपर मौजूद है, ऑफ द आर्च. अच्छा जी, उसके बाद अब जरा देखिएगा, एंड वाई एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर. जाहिर सी बात है हमने दो बातों का जिक्र हुआ है तो उन दोनों को इस तरह से रिलेट करना है कि हमारे पास एक डायग्राम अंडरस्टैंडेबल बन जाए. तो हमने कहा कि एक्स एक्सिस को हमने उसकी बेस के अलोंग ले लिया और वाई एक्सिस को जो है कह दिया कि पासिस थ्रू इट्स सेंटर. वो सेंटर ऑफ दैट आर्च उसमें से पास कर रहा है. अब ऐसे सिनेरियो के अंदर जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या होगी और किस टाइप की इक्वेशन बनेगी, जरा उस पर हम बात करते हैं. लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर डायग्राम को समझें और फिर इक्वेशन लिखें तो वो ज्यादा सूटेबल होगा. सो डायग्राम आपके सामने है, जरा गौर कीजिएगा. ये मैं बनाता हूं इसकी डायग्राम, आप देखिएगा जो बातें मैंने यहाँ पे की एग्जैक्टली उसके मुताबिक इसको मैं बना रहा हूं. ये मैंने इसका सेंटर ले लिया, एग्जैक्टली एट द स्टेज दैट इज द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्च. ये सेंटर है. अब इसकी जो टोटल, हमने उसने कहा था ना कि इसकी जो आपके पास विड्थ है, ये जो वाइड है एक्चुअली वो टोटल है 40 मीटर्स. सो उसके कहने से ये मुराद बनती है कि ये जो इसकी विड्थ है फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट दैट इज टोटली 40 मीटर. अब देखिए ये ओवरऑल क्या है, 40 मीटर्स को रिप्रेजेंट कर रही है. एक बात हो गई. अब अगर ये ओवरऑल 40 मीटर है और हम y एक्सिस को इसके सेंटर के तौर पे ले रहे हैं, आप अगर y एक्सिस इसका सेंटर है तो अगर y एक्सिस को इसके सेंटर के तौर पे कंसीडर करें तो आप जरा देखिएगा कि फिर जो बाकी लेंथ्स हैं वो इसके सेंटर के तौर पे ट्रीट होते हुए इधर और उधर कितनी कितनी बन जाएंगी. मतलब यहां से लेके जो ये वाली लेंथ है, अब ये हाफ हो जाएगी इस टोटल का. और ऑब्वियस सी बात है
कि ये वाली जो लेंथ इधर को आ रही है, ये वाली लेंथ भी हाफ हो जाएगी उसके टोटल का। सो यानी कि आप अगर इन कहानियों को देखेंगे कि ये लेंथ हाफ हाफ हो रही है, सो ऑब्वियसली इसके मुताबिक आपके पास जब पॉइंट्स बनाए जाएंगे ना, तो आपका एक तरफ ए और एक तरफ ए डैश जो बन रहा है, लेट्स से दैट इधर मैं ए लिख रहा हूं, तो आपके पास इस साइड पर, अब देखिए एक्स की जब ये डायरेक्शन होती है तो एक्स की इस डायरेक्शन के अंदर जो आपके पास वैल्यूज हैं वो नेगेटिव होती हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और राइट पे पॉजिटिव होती हैं। तो यहां पे आ जाएगा -20, यानी कि लेंथ उसकी साइड पे 20 है, तो एक्स की वैल्यू यानी कि एब्सिसा होने की बिना पे मैं उसको -20 कह रहा हूं, और साथ इस एक्सिस के ऊपर वाई हमेशा जीरो रहता है। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं और इस डायरेक्शन में देखते हैं, तो आपके पास लेट से दैट ए डैश कहा गया यहाँ पे, तो ये आपके पास 20 और 0 आ जाएगा। ले जी, ये इस 40 मीटर को इस तरह से हमने ब्रेक करके 200 में डिवाइड कर दिया। अब उसने जो इसके अलावा एक और बड़ी खूबसूरत बात की, और उसने ये कहा कि जब आप बात करेंगे इसकी हाइट की एट इट्स सेंटर, तो जो इसकी हाइट एट इट्स सेंटर होगी, क्योंकि हमने y एक्सिस को एग्जैक्टली ऑन द सेंटर सपोज किया हुआ है, तो वो कहता है कि जो इसकी हाइट एट इट्स सेंटर आप लेंगे, वो इसकी हाइट एट इट्स सेंटर एग्जैक्टली होगी 15 यूनिट्स। सो मैं उसको यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं आपके लिए कि ये 15 यूनिट्स है। सो ये देखिएगा, ये बात हो रही है कि यहां से लेके यहां तक का जो ये डिस्टेंस आपके पास बन रहा है, दैट इज अबाउट 15, और आप देख रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पे ये 15 के मुताबिक आ रहा है। ये टोटल 15 मीटर्स है, और इस 15 मीटर्स में फिर ये जो पॉइंट बन जाएगा ये 0 और 15 बन जाएगा। अब देखें, अगर इतने प्रॉब्लम को देखा जाए और इतनी बात को देखा जाए, तो फिर तो मेरे पास ये बनता है कि जो इलिप्स की इक्वेशन है, अगर मैं आपको वो इलिप्स की इक्वेशन यहां तक दिखा दूं कि वो इलिप्स की इक्वेशन क्या बनती है, फिर अगली बात की तरफ आएंगे कि आपने फाइंड क्या करना है। सो देखिए, यहां तक जब आप इलिप्स की इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं कि इलिप्स की इक्वेशन आपके पास क्या बनती है, सो यहां तक के मुताबिक आपके पास क्या है, एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी, आप यहां पे बता दीजिएगा कि यहां तक जो मैंने आपको चीजें समझाई उसके मुताबिक एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्चुअली जो आपके पास इलिप्स की इक्वेशन बन रही है रिप्रेजेंटिंग द आर्च इज, जो इस आर्च को रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंटिंग द आर्च, वो देखिएगा वो क्या है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से। अब देखें, इसका मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर, और उसकी लेंथ 20 है यानी कि ए की, तो हमें पता है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के मुताबिक चलूं, तो यहां मेरे पास ए जो है वो 20 है और जो बी है वो 15 है। सो इसके मुताबिक जब हम देखते हैं तो हमारे पास स्नैरियो कुछ ये आ जाएगा कि विच इम्प्लाइज दैट जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर, ये बन जाएगा आपके पास 20 स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ओवर, ये आ जाएगा 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नहीं जी, ये आ गया। अब हमने करना क्या है, अब जो अगली बात है वो ये है कि हमने इस जो लाइन है, इस जो आर्च है, इसके सेंटर से 10 यूनिट्स मूव करना है और फिर उस स्टेज पे जाके उसकी हाइट बतानी है। सो जरा देखिएगा, ये मेरे पास वो एग्जैक्टली शेप मौजूद है, और मैं अब इसमें से ये कहना चाहता हूं कि हमने इसके 10 यूनिट्स तक जाना है। लेट्स से दैट मैं कहता हूं कि ये देखें, यहां पे 10 यूनिट्स पड़े हुए हैं। अब वो सवाल ये करता है कि जब आप यहां से मूव करते हुए 10 यूनिट्स पे आएंगे, तो उस वक्त आपने बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी, यानी कि ये चीज आपने फाइंड करनी है, ये जो एट 10 है वाई की वैल्यू, और 10 आपके पास ऑब्वियसली होगा तो आप इस ओ से लेके ए के भी हाफ पे आ जाएंगे,
कहने का मतलब ये है कि वो ये बात कर रहा है कि जब ये वाला डिस्टेंस आपका 10 यूनिट्स हो जाएगा, ये वाला, तो उस वक्त ये जो ऊपर हाइट है ये आपके पास टोटल कितनी होगी, ये बात हमने फाइंड करनी है। मतलब ये है कि यहां पे अगर मैं एक पॉइंट बनाता हूं ना, तो उस पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू तो 10 है और जो वाई है वो मैंने फाइंड करना है, उसका मुझे पता नहीं है। सो मैं अगर इसके बारे में ये कहता हुआ चलूं कि हम वो पॉइंट की बात कर रहे हैं, सो हम ये कहते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द आर्च एट 10, मैं इस तरह से कह देता हूं, जो हमने सपोज किया है कि जो हाइट ऑफ द आर्च है एट 10 यूनिट्स एट अ डिस्टेंस, जो आपके पास एक्चुअली डिस्टेंस बन रहा है, कितना डिस्टेंस बन रहा है, 10 मीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, उसके सेंटर से 10 मीटर पर अगर हम बात करें बाय y, तो अगर मैं उसको y से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो फिर देन द पॉइंट्स आप देखिएगा, देन द पॉइंट, अब इसको हम पॉइंट इसलिए कह रहे हैं, देन द पॉइंट लाइज ऑन 1, जो इलिप्स की इक्वेशन हमने स्टार्ट पे सपोज की थी, लिहाजा वो उसको लाई करेगा। अब आप खुद देख लें, अगर ये 1 को लाई करेगा तो मेरे पास यहां पे फिर ये होगा कि फॉर x इज इक्वल्स टू 10, मेरे पास जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, सो मैं लिख देता हूं वी हैव, पहले आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये आपके पास एग्जैक्टली आ जाएगा उस इक्वेशन में पुट करने पर, ऊपर है एक्स स्क्वायर जो कि हो जाएगा 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑलरेडी है 20 स्क्वायर, प्लस यहां पे आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 15 स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1। यहां पे हम क्या करते हैं, इसको उठा के उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस यहां पे आ जाएगा 100 बाय 400। जब उनके स्क्वायर्स को ओपन किया तो ये बन गया, तो ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 15 स्क्वायर, और इसको जब इस साइड पे लेके आते हैं तो एलसीएम ले लें, पहले बेशक एलसीएम से पहले इनको कैंसिल आउट कर दें, ये आ गया 1 माइनस 1 ओवर 4 लें जी। अब हम एलसीएम लेंगे और फिर इसके बाद अगला प्रोसीजर करेंगे यहां से, तो आप एलसीएम ले लीजिए और ये बन जाएगा आपके पास y स्क्वायर ओवर 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 4 माइनस 1 ओवर 4, और जब आपने 4 माइनस 1 ओवर 4 बनाया तो ये आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 15 स्क्वायर, तो इधर आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 4। अब हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर इंटू 3 बाय 4। अब चूंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू के लिए आप देखिएगा हमारे पास जो सीन है वो कुछ ये है कि y की वैल्यू के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, नहीं जी, जब हमने इसका स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, ये बन जाएगा y, इधर आ जाएगा प्लस माइनस 15 इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय 4 का स्क्वायर रूट। अब जब 4 के स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो वो एग्जैक्टली 2 हो जाता है, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 15 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अभी आंसर आ गया, लेकिन सिचुएशन ये है कि ये एक आर्च है और आर्च में जाहिर है बात डेप्थ में नहीं हो रही, बात एक गुंबद में ऐसे हाइट की तरफ जानी है,
तो y की वैल्यू वहां पे फिर नेगेटिव नहीं हो सकती, y की वैल्यू को वहां पे पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि हाइट की जानिब हमने मूव करना है। सो यहां पे आप बता दें बट द पाथ इज एन आर्च, जो आपके पास शेप है आप ये लिख दें ड्यू टू एन आर्च, वो आर्च की हाइट बनती है ऊपर की जानिब। सो आप ये कह सकते हैं कि फिर यहां से जो y है वो आपका 15 स्क्वायर रूट 3 बाय 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास उसका रिजल्ट बनेगा 15 स्क्वायर रूट 3 बाय 2। सो ये एक्चुअली क्या बना है, हेंस द डिस्टेंस आप ये बता सकते हैं कि जो आपके पास डिस्टेंस बन गया, कहां से डिस्टेंस बन गया, फ्रॉम द सेंटर, उसके सेंटर से जो हमने डिस्टेंस बनाया टू द डिस्टेंस 10 फ्रॉम इट्स बेस फ्रॉम इट्स सेंटर, इट्स सेंटर, देन एट दिस स्टेज द हाइट विल बी, हमने चूंकि हाइट फाइंड करनी थी तो जो इसकी हाइट बनी वो हमारे पास बन जाएगी, द हाइट विल बी एट दिस स्टेज इज 15 इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय 2। सो रिक्वायर्ड हाइट आपके पास आ गई, जो हमने आपको बता दी कि इसकी जो रिक्वायर्ड हाइट है वो आपके पास बन जाएगी 15 इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय 2 मीटर्स। जी तो आपने देखा किस तरह से हमने इस एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस किया और उसको सॉल्व किया, इसी की बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी आगे आएंगे। सो ये था आज का लेक्चर, होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर, दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।